अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। लॉकडाउन हटाने भाजपा नेता दशरथ भगत निकालेंगे लॉन्ग मार्च, प्रशासन को जगाने कोंकण भवन तक मोर्चा, 100% अनलॉक की मांग। नवी मुंबई के श्रमिकों, दुकानदारों और नागरिकों को लॉकडाउन और कोरोना से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर भाजपा नेता दशरथ भगत लॉन्ग मार्च निकालेंगे। नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के नेतृत्व में यह लॉन्ग मार्च शिवाजी चौकवासी से बेलापुर के कोंकण भवन तक जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए संस्था अध्यक्ष दशरथ भगत ने कहा कि 4 महीनों के लंबे लॉकडाउन से सरकार ने जनता को जनहानि और आरोग्य हानि से तो बचा लिया है, लेकिन वित्त हानि नहीं रोक पाई है। इससे श्रमिक और दुकानदार कामगार दाने दाने को तरसने लगे हैं। भुखमरी से मरने की नौबत आ गई है, इसलिए अब जनता लॉकडाउन नहीं चाहती। दशरथ भगत ने कहा कि हम जनता की इसी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना और अधिकारियों को जगाना चाहते हैं। पहला जो लॉन्ग मार्च हम निकल रहे वो कॉरपोरेशन हो, राज्य शासन, इनका ध्यान केंद्रित करने के लिए हम लॉन्ग मार्च या करने वाले हैं। उसके अंदर जो लाइट बिल है, वो लाइट बिल किसी को भी पसंद नहीं है, लोगों के पैसा नहीं है, लोग बिल लाइट बिल नहीं भर सकते, ये एक मुद्दा हमने रखा है। दूसरा मुद्दा है कि जो लॉकडाउन है, अब ये अनलॉक है, ये अनलॉक के माध्यम से पार्ट पार्ट लॉकडाउन है, ये भी लॉकडाउन होना नहीं चाहिए। लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, लोगों को रोजी रोटी मिलना चाहिए, ये रोज़गार के लिए बिल्कुल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इसकी जो जानकारी, लोगों की जो भावना है, लोगों की जो चाहत है, लोगों की इच्छा है कि हम कोरोना में जो 4 महीना हम हमारी जीवित का रक्षण हुआ और हमारे आरोग्य का रक्षण, लेकिन फाइनेंशियली हम ख़त्म हो गए हैं। हम फाइनेंशियली इतना ख़त्म हो गए हैं कि जो जान बचाया है, जो हमारा हेल्थ बचा है, वो भी ख़त्म होने वाला है। इसीलिए लॉकडाउन अनलॉक भी नहीं चाहिए, लॉकडाउन छोड़ दो अनलॉक भी नहीं चाहिए, इस मुद्दे पे हम जा रहे हैं। और आप लॉकडाउन खुला कर लो, बिल्कुल नहीं, अनलॉक भी नहीं, लॉक भी नहीं है। इससे ज़्यादा आप वो जो कुछ हॉस्पिटल की उपचार की मात्रा है वो आप बढ़ाइए। गवर्नमेंट जो कुछ कानून है वो कानून का हमें पालन करना है। कानून को देख के हमने सिर्फ संस्था के जो हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो लोग उसके अंदर चलेंगे। पहला शिवाजी चौक से लेके, शिवाजी चौक से हम चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर पहला आएंगे सेक्टर 17 का अधीक्षक अभियंता, उनके यहाँ एक निवेदन दे देंगे, फिर वहाँ से हम निकलेंगे सीधा कोंकण भवन, जो राज्य शासन का रिप्रेजेंट करते हैं, वह हम एक निवेदन दे देंगे, एक सिडको को दे देंगे, फिर बाद में वहाँ से चल के हम जाएंगे हेड ऑफिस कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट मुख्य ऑफिस, वह हम दे देंगे वहाँ, और उनका ध्यान केंद्रित करेंगे कि लोगों की तकलीफ बहुत बढ़ रही है, लोगों के पैसा नहीं है, लोगों के पास नहीं, लाइट बिल भरने के लिए पैसा नहीं है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल के इलाज के लिए पैसा नहीं है, वो तो जो खाने के लिए पैसा नहीं लोगों को। बताना जरूरी है कि 16 लाख की आबादी वाली नवी मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार पहुंच गई है। इस पर दशरथ भगत ने कहा कि नवी मुंबई की 15 लाख से अधिक आबादी अभी भी सुरक्षित है, इसलिए इनका ध्यान रखकर लॉकडाउन खोलना जरूरी है। भगत ने कहा कि लॉन्ग मार्च के जरिए हम लॉकडाउन को पूरी तरह खत्म करने, कोरोना के उपचार के लिए पर्याप्त वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराने एवं कोरोना का भय मिटाने के लिए मनपा प्रशासन से रिलैक्सेशन रिपोर्ट जारी कराने की मांग करेंगे। महानगर पालिका ने ज्यादा जो बेड्स है, जी इलाज के लिए जो बेड है उसकी मात्रा बढ़ाए, फिर उसके अंदर वेंटिलेटर है, आईसीयू है, ऑक्सीजन बेड है, हॉस्पिटल की जो उपचार मात्रा है, उपचार बेड है, क्वारंटाइन सेंटर्स है, इसकी मात्रा बढ़ाई, और वो जो कोविड का जो डर का रिपोर्ट है, कोविड भय रिपोर्ट, वो भय रिपोर्ट की आज जगह आप वह रिलैक्सेशन रिपोर्ट, एक दिलासा रिपोर्ट, एक अच्छा लोगों को लगेगा अच्छा रिपोर्ट आई है, उसके अंदर बेड की संख्या दिखाइए कि आज जो 15 लाख जनसंख्या है वो डर नहीं, क्योंकि उनको अभी सिर्फ 12,000 लोगों को 12,000 लोग पॉजिटिव है, लेकिन 15 लाख लोग पॉजिटिव नहीं है ना,
वो डर रहे हैं, उनका डर खत्म करने के लिए आप वो कोविड रिपोर्ट, भय रिपोर्ट के अलावा एक रिलैक्सेशन रिपोर्ट आप उसके अंदर दे दीजिए। तो ये सब मुद्दा लेके हम शासन, महापालिका हो या राज्य सरकार हो, उनको ध्यान में लाने के लिए ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। फिर जब लॉन्ग मार्च भी हल नहीं निकला तो आगे फिर उससे आगे और फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली कैसा हो, उनका ध्यान जो लोगों को, जो लोग आज पूरे विस्थापित हो गए, उनको पुनर्वसन करने के लिए या उनका हम रिहैबिलिटेशन करने के लिए हम लोगों गवर्नमेंट का और ध्यान आकर्षित करने के लिए और ज़्यादा तौर पर ये जो मुहिम है, ये जो लॉन्ग मार्च है, उसका और जो उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए उस तरह से हम सोचेंगे। लेकिन उसके उससे ज़्यादा होगा, ये जो लॉन्ग मार्च है उससे ज़्यादा होगा, फिर वो कैसा ज़्यादा होगा वो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।